दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे देने के व्यवहार में परिवर्तन देखा गया है। दरअसल अब तक ये पक्षी केवल एक ही अंडा देते थे, लेकिन अब इनमें दो अंडे देने की प्रवृत्ति देखी गई है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण मानसून के मौसम में अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन को बताया है। तो चलिए जान लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चारागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारत में पाई जाने वाली अन्य चार बस्टर्ड प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। यह शुतुरमुर्ग की भांति दिखता है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी CR श्रेणी में रखा गया है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। चलिए बात करते हैं WII की। इसका पूरा नाम भारतीय वन्य जीव संस्थान है। यह वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करता है। इसका गठन वर्ष 1982 में हुआ था। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। यह संस्थान उत्तराखंड के देहरादून के चंद्रबनी में स्थित है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहले बात प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो इस प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मकसद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रजनन को बढ़ाना, उनके आवासों का संरक्षण एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना है। जून 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार और WII द्वारा जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की आबादी में वृद्धि करना है। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का, तो अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी वल्नरेबल और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।